हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मिक्सअप है HTML और CSS का। यानी CSS में इनलाइन स्टाइल शीट्स सीखी होगी आपने और भी स्टाइल शीट्स आपने सीखी होगी, लेकिन आज की ये वीडियो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लेकर के है। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लेकर के, तो आज उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटपैड को ओपन कर लेता हूं। मैं यहां पर विंडोज 11 यूज कर रहा हूं। आप जो भी वर्जन यूज करते हैं उसमें नोटपैड सिंपली ओपन कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। एक बार आप इस चीज को देख लेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने ओपन कर लिया है नोटपैड, ओके। और यहां पर मैं कुछ चीजें लिखूंगा, अब वो चीजें क्या है वो मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले यहां पैराग्राफ टैग की बात करते हैं, तो यहां पे पैराग्राफ टैग लिखा हमने और यहां पे लगाएंगे कलर। कलर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा अमेरिकन इंग्लिश में यूज होगा COLOR, और यहां पे कलर रख देते हैं रेड, ठीक है। और फिर फॉन्ट की साइज की बात करेंगे, तो ये लिखा फॉन्ट और फिर लिखते हैं साइज SIZE, डैश देकर के लिखिएगा SIZE, इस तरीके से आपको लिख देना है फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज लिखने के बाद यहां पे लगाइएगा कॉलन, यहां पे लिख दीजिएगा 25 पिक्सल। क्या लिखना है? 25 पिक्सल, ओके। और यहां पे इसको टर्मिनेट कर दीजिएगा, टर्मिनेट यानी ये लाइन हो गई खत्म। अब इसको क्लोज कर देते हैं और एंटर करके नीचे आते हैं। यहां पर H1 लगाता हूं, ठीक है। यहां पे क्या लगा रहा हूं? H1। और H1 का कलर क्या रखूंगा? यहां पे कलर रख दिया हमने ब्लू, ठीक है। कलर क्या रख दिया? ब्लू रख दिया है। और यहां पे फॉन्ट की साइज, तो यहां पे लिखा फॉन्ट और लिखा यहां पर साइज SIZE, ठीक है। और यहां पर एक आपको अलग दिखाऊंगा मैं, जैसे कि यहां पर मैं एक अलग मेजरमेंट यूज करूंगा। यहां पे मैं लिख देता हूं 20 EM, EM लिखा है मैंने, ये ध्यान दीजिएगा, पिक्सल नहीं लिखा इस बार EM लिखा, ठीक है। और यहां से इसको टर्मिनेशन देने के बाद इसको क्लोज कर देंगे कर्ली ब्रेसेस को और इसको सेव कर लेते हैं। तो किसी नाम से हम इसको सेव करेंगे, जैसे यहां पर जाकर के मैं इसको सेव कर रहा हूं और इसे मैं ये HTML एंड CSS नाम की डेस्कटॉप है इसी के अंदर सेव कर रहा हूं, ठीक है। और इसे मैं सेव कर रहा हूं अपने नाम से suraj.css। तो ये दे दिया हमने और ये सेव भी हो गया। आइए एक बार इस फाइल को देख लेते हैं कहां पे ये सेव हुई है। तो यहां पर इसको ओपन करते हैं, यहां देखिए ये suraj.css नाम से सेव हुई है ये फाइल, यही वो फाइल है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक और कोडिंग करनी है, वो HTML की होगी। ये तो हो गई CSS, ठीक है। दूसरी कोडिंग है HTML की, तो HTML वाली कोडिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। यहां पर न्यू पेज लेकर के सबसे पहले लिखना है HTML, ठीक है। फिर यहां हेड लिखेंगे, हेड लिखने के बाद यहां पे दे देता हूं मैं टाइटल, कुछ इस तरीके से टाइटल दे दीजिएगा। और यहां पर एक्सटर्नल स्टाइल शीट में लिख देता हूं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है। ये लिख दिया एक्सटर्नल स्टाइल शीट और यहां पे टाइटल को क्लोज कर दीजिए, TITLE टाइटल को क्लोज किया, एंटर करके नीचे आए, यहां पर हेड को क्लोज कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। हेड को क्लोज करने के बाद एंटर करके नीचे आइए, यहां पर लगाएंगे बॉडी टैग, बॉडी टैग लगाया और बॉडी टैग को क्लोज करेंगे और यहां पर H1 लगा लेता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर H1 लगाया, ठीक है। और H1 लगाने के बाद हेलो लिखता हूं मैं, हेलो HELLO IM योर ट्यूटर, ये लिख दिया आई एम योर ट्यूटर, ठीक है। ये लिख करके और फिर क्या करना है, जो हमने H1 ओपन किया था इसको क्लोज कर देना है, यहां से H1 को क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद एंटर करके नीचे आइए, यहां पर अगर H2 देना चाहते हैं या कुछ और देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जैसे पैराग्राफ टैग में मैं लिख देता हूं हेलो माई नेम इज सूरज, ठीक है, ये लिख दिया हमने और पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। यहां जे छूट गया, यहां पे जे लिख देते हैं, तो ये माय नेम इज सूरज हो गया। और यहां पे फिर वापस से पैराग्राफ टैग को ओपन करते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न एक्सटर्नल स्टाइल शीट, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सटर्नल इस तरीके से स्टाइल शीट ऑफ CSS, ठीक है। तो ये लिख दिया और इसको क्लोज कर देंगे पैराग्राफ टैग को। पैराग्राफ टैग को क्लोज करने के बाद बॉडी को क्लोज करेंगे, फिर HTML को क्लोज करेंगे। ये बॉडी भी हो गई क्लोज और फिर HTML भी हो गया क्लोज। यहां पर लिंकिंग कैसे होगी, लिंक कैसे हम करवाएंगे? तो जैसे ही हम टाइटल लिखेंगे ना, आप टाइटल में भी ये दे सकते हैं, यहां पर टाइटल के ठीक नीचे आते हैं, यहां पर आपको लिखना है लिंक रेल, REL लिंक रेल लिखेंगे और यहां पर लिखिएगा डोमिनेटेड कोर्स में स्टाइल शीट, इस तरीके से लिखिएगा स्टाइल शीट और इसको डबल डॉट कॉमा में रखिएगा और यहां लिखिएगा HREF, और यहां पर उस फाइल का नाम देना है जो फाइल हमने बनाई थी जिस नाम से सेव किया था। तो उस फाइल को हमने सेव किया था suraj.css से,
तो सूरज डॉट सी एस एस यहाँ पे दे दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा, बस ये काम हो जाएगा। इतना ही आपको करना है, ठीक है। अब इसको सेव करना है, तो चलिए फाइल पे जाके इसको सेव कर देते हैं। वहीं पे सेव करना है, उसी लोकेशन पे सेव करना, तो यहां पर जाकर के, और इसको किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। डॉट एचटीएमएल लगा के करना है, ठीक है। तो ये लगा दिया, डॉट एचटीएमएल भी लगा सकते हैं, डॉट एचटीएमएल भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एक बार चेक करते हैं इसमें जो फाइल हमने सेव की थी, तो यहां ये देखिए, यहां पर ये स्मॉल एस है, तो आपको स्मॉल ही रखना है। अब इसको सेव कर देता हूं कंट्रोल एस करके। अब यहां पर इसको हम रन करवाते हैं, तो ये रन करवाया, तो जैसे ही रन करवाएंगे तो आप देखेंगे ये काफी बड़े साइज में प्रिंट हो रहा है, देख सकते हैं, और बाकी की चीजें छोटे साइज में प्रिंट हो रही है, देख सकते हैं कि नहीं। तो यहां कुछ इस तरीके से आया हुआ है। अगर आप इसके साइज को छोटा करना चाहते हैं तो वापिस से ये जो सूरज डॉट सी एस एस वाला कोडिंग है, यहां पर आकर के हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो इसको ओपन करते हैं, कोडिंग जो हमने लगाई है, और यहाँ पे कलर मैंने रखा है H1 का ब्लू रखा है, देख सकते हैं, और ब्लू कलर में ही ये प्रिंट होगा। H1 मैंने रखा है तो ब्लू कलर में ही ये प्रिंट होगा। और साइज छोटी करनी है तो यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज 10 रख सकते हैं, तो यहाँ पर 10 कर देता हूं। अब देखिए ये फॉन्ट की साइज छोटी हो जाएगी जब हम इसको चलाएंगे, तो फॉन्ट की साइज अब पहले के मुकाबले छोटी हो गई, देख सकते हैं। समझ में आ रही है बात, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी। और भी चेंजेस इसमें परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसा कि आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए कलर ब्लू है, अगर आप कलर ब्लू ना रखना चाहें तो यहां से आप कलर हटा दीजिए, ब्लू हटा दो, ग्रीन शो करेगा, ठीक है। कंट्रोल एस किया, अब देखिए ग्रीन कलर हो गया है, आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ग्रीन में ये शो करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी एक्सटर्नल स्टाइल शीट किस तरीके से यूज होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।